इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, सामान देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, हमने एक शिमला मिर्च चॉप कर लिया है, दो प्याज लहसुन और दो हरी मिर्च और तीन आलू को मैं फिंगर की तरह चॉप कर ली हूँ। और मैं मैदा ली हूँ कॉर्नफ्लोर और चिली सॉस ली हूँ, सोया सॉस, टमाटो सॉस और वाइट विनेगर। और ये देखिए, हम अपने आलू जो हैं वो हम एक बाउल में डाल लिए हैं और इसमें मैं तीन चम्मच मैदा ऐड कर रही हूँ और दो स्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी और जो है स्वाद के अनुसार नमक ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें काली मिर्च भी ऐड की हूँ, क्लिप इसमें सूट नहीं हुआ है। तो सारे सामान को मैं एक में मिक्स करूँगी। और इधर देखिए, एक कटोरी में मैं दो स्पून मैदा डाली हूँ, एक स्पून आरा रोट ऐड की हूँ। अगर आपके पास आरा रोट नहीं है तो आप मैदे से भी बना सकते हैं इसको। और ब्लैक पेपर डाली हूँ थोड़ा सा और नमक स्वाद के अनुसार और पानी डाल करके इसको मिलाना है। इसे हमें उतना पानी ऐड करना है इसमें जैसे कि हम पकौड़ी तलते हैं उसका बैटर रहता है, उसी तरह हमें इसको बनाना है। और ये देखिए, हमारा बैटर एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, अब ये हम क्या करेंगे, जो इसको हम दो तीन मिनट के लिए रख दिया था और कढ़ाई रख दिया गैस पे, तेल हमारा गर्म हो रहा है। एक एक आलू जो हमने फिंगर में काट लिया है उसको हम गर्म तेल में डालेंगे। हमारा तेल बहुत ज़्यादा एकदम हाई फ्लेम पे नहीं होना चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे ये रहेगा। तो एक एक करके इसको हम तल लेंगे और इसे मैं बस 20% ही तलूँगी, पूरा मुझे एकदम से नहीं तलना है। और उसके बाद इसे हमें निकाल लेना है, 20% तल के इसे मैं निकाल लूँगी पूरा एकदम से, मुझे करारे नहीं करने हैं इसे। तो देखिए, ये हम जो है तल लिए हैं, इसको निकाल ले रहे हैं। इसी तरह से हम जितने हमारे ये आलू हैं उसको मैं तल लूँगी। ये देखिए, हमने सारे आलू अपने तल लिए हैं और अब मैं इसको, जो मेरे आलू ठंडे हो गए थे उसको मैं दोबारा से हाई फ्लेम पे तलूँगी। अब ये हाई फ्लेम पे तल के मुझे एकदम करारे से इसको तलना है, एकदम रेड रेड गोल्डन कलर आ जाएगा तब तक मुझे इसे तलना है। एक बार इसको इस तरह से आप बना के देखिएगा, इतने क्रिस्पी करारे आपके ये जो हैं बनेंगे। ये देखिए, एकदम रेड रेड करारे करारे ये हमारे पोटैटो तल गए हैं। और फ्रेंड, एक बार ये आप जरूर तले, ये देखिए बहुत करारे एकदम मैं रेड रेड इसको ब्राउन या रेड जो भी आप कह लीजिए तल ली हूँ। और ये देखिए, इसमें आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि मैंने म्यूट कर दिया है, नहीं तो आपको दिखाती इसकी करारेपन की आवाज़। और इधर सेम कढ़ाई में मैंने लहसुन डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी। हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार आप डालिएगा, हम दो ऐड किए हैं। और एक बड़ा वाला शिमला मिर्च हमने कट कर लिया था, बीज निकाल दिए हैं बीज से इसका। और एक बार ये चिली पोटैटो आप ज़रूर बनाइएगा। और ये देखिए, ये प्याज जो हमने एक प्याज में चार पीस करके और उसको स्लाइस अलग अलग निकाल लिए हैं, सेम इसी तरह से मुझे सारे जो वेजिटेबल हम इसमें ऐड करेंगे ऐसे ही कट करना, और इसे ज़्यादा कुक हम नहीं करेंगे। ये देखिए, और इसमें ज़रा सा आप नमक डाल देंगे तो ये और जल्दी से कुक हो जाएगा। देखिए, अब ये जो हमारा कटोरी में बैटर बचा था उसमें ज़रा सा बैटर हम और मिला लिए हैं और इसको मिला के पानी डाल के घोल के उसका घोल बना के हम इसमें डाल दिए हैं। इससे जो है हम थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना रहे हैं। अगर आप लोग ग्रेवी वाली नहीं पसंद करेंगे तो इसको आप मत डालिएगा, बस सॉस ही डालिएगा। अब इसमें हम अपना दो स्पून जो टमाटो सॉस लिए थे उसको ऐड करेंगे। अगर आप लोग को टमाटो सॉस ज़्यादा पसंद है तो आप और बढ़ा सकते हैं। हम दो स्पून टमाटो सॉस, दो स्पून रेड चिली सॉस लिए हैं, हम ग्रीन चिली सॉस इसमें नहीं ऐड किए हैं, सोया सॉस लिए हैं। ये देखिए, तीनों सॉस हम डाल दिए हैं। और इसमें जो है ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर था वो डाले हैं, ये हम वाइट विनेगर डाल दिए हैं। सारे मसाले हमने ऐड कर दिया, अभी हम नमक नहीं ऐड किए थे, ये नमक डाले हैं। नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा क्योंकि सारे सॉस में पहले से नमक पड़े होते हैं। और अब ये जो हमारे सॉस मसाले सब पक गए हैं, अब इसमें मैं अपने
फ्राई किए हुए पोटैटो ऐड करूँगी। एक बार ये ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसे आपने बनाया, कैसे लगे, एक बार ज़रूर टेस्ट करिएगा। और बहुत ही टेस्टी है चिली पोटैटो बनेंगे। ये देखिए, हमको ग्रेवी वाला हल्का सा ग्रेवी, ज़्यादा ग्रेवी हमें नहीं चाहिए। ये हमारे बनके एकदम परफेक्ट तैयार हैं। गार्निश करके आप इसको सर्व करिए अपने परिवार को, कमेंट करके बताइए।